रात दे नेरे दा चोरा ने फायदा चुकिया ते दो मंदरां नू अपना निशाना बनाया अते मंदरां दे गोलक चुक के फरार हो गए। तस्वीरां सीसीटीवी कैमरे च कैद हो जांदियां ने जिस विच वेख्या जा सकता है कि तीन चोरां वल्लों दो मंदरां नू अपना निशाना बनाया जांदा है। मंदरां दे गोलक तोड़े जांदे ने ते गोलकां नू रेहड़ी दे विच रख के यह चोर फरार हो जांदे ने। यह तस्वीरां लुधियाना दे डाबा इलाके तो सामने आईयां ने जिथे इन्हां चोरां ने मंदरां नू अपना निशाना बनाया ते दोहां मंदरां चों टोटल 1.5 लाख रुपए की नकदी वाले गोलक चुक के फरार हो गए। उत्थे ही दूजे पासे मंदर दे प्रबंधकां ने प्रशासन ते सवाल चुके ने। उन्होंने कहा कि चोरां दे हौंसले लगातार बुलंद हुंदे जा रहे ने पर इन्हां चोरां दे खिलाफ कोई नकेल नहीं कसी जा रही, जिसके चलते उन्होंने अपील की है कि इन्हां चोरां दी जल्दी तो जल्दी भाल की जाए ते इन्हां दे खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए। उत्थे ही सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरिया के आधार पर पुलिस वालों मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जल्दी ही चोरां नूं फड़ लिया जाएगा। फिलहाल यह तो समा ही दसेगा कि कदों पुलिस इन्हां चोरां नूं फड़ के इन्हां खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है। फिलहाल यह तस्वीरां लुधियाणा के डाबा इलाके तो सामने आईयां ने जिथे चोरां ने दो मंदरां नूं अपना निशाना बनाया अते दोवें मंदरां दे गोलक चुक के फरार हो गए, जिस दे विच तकरीबन 1.5 लाख की नकदी सी। पंडित दिनेश प्रसाद जो। अच्छा पंडित जी, क्या हुआ आपके यहाँ पे चोरी भी हुई है? 28 तारीख रात को मैं मंदिर 9 बजे बंद करके घर गया। ठीक है। जब सुबह 29 तारीख सुबह आया 5 बजे तो पहले बाहर का गेट है इसका ताला तोड़ा हुआ था, इसके नाले जो जंगला है गिरल ये तोड़ के बंदे प्रवेश किए, फिर ये मेन गेट पे ताले पर कुछ फंसा के ताला भी तोड़ दिया। उसके बाद जो दो गोलक थे दोनों तोड़ के ले गए। अच्छा, दोनों गोल के में आइडिया कितने के पैसे होंगे, क्योंकि त्योहारी सीजन है? अंदाजा से 70,000 के आसपास होगा, क्योंकि साल हो गया था खोला नहीं था। 70,000 के आसपास? हाँ जी। अच्छा, कहते हैं कि आपके साथ में भी मंदिर है, वहाँ पे भी? हाँ, वहाँ भी हुआ। मुझे वहाँ से भी पता लगा कि हमारे भी चोरी हुई है। जो मंदिर में कहते भी उनका भी 60-70 कहने का? हाँ, वो भी वैसे उनका भी वही बता रहे, उनके 3 गोलक थे कहते। 3 हमारे 2 थे। 5 गोलक? हाँ जी। टोटल अमाउंट कितनी होगी? 1.5 लाख के करीब। तो वो बताए इतने रहे होगी कि इतने हमारी होगी, हमारी भी कलम इतने थे, तो दोनों को मिला के 1.5 लाख तो होगी शायद। अच्छा, पुलिस को इस चीज़ का बताया? हाँ जी, गए थे कल थाने में, गए थे थाने में। हाँ जी। अच्छा, ये कितने लोग थे? 3। वो गोलक के कैसे लेके गए? गोलक बिल्कुल आराम से लेके यहाँ से रेडे पे लेके गए। हाँ जी, रेडे पे कहीं नहीं लेके? किसी भी लपेट नहीं लेके, यहाँ से सीधे लेके गए। आगे तक कैमरे में दिखाई दे रहा, आगे तक पैदल गए, हाथ में गोलक लेके गए। नाम सुरेंद्र प्रसाद रतुड़ी है। अच्छा, क्या हुआ जो चोरी की काम? मैं मंदिर में जो पुजारी हूँ, यहाँ पर जो है 3 गुल्लक ले गए हैं, और जो है गुल्लक में जो है यहाँ गली में जो कैमरे लगे हुए हैं, रेड़ा ले करके 3 बंदे हैं, रेड़ा लाए, रेड़ा में जो है यहाँ जो है ताला तोड़ करके 2 ताले लगे हुए थे, एक अंदर एक बाहर, दोनों ताले तोड़ करके जो है 3 गुल्लक ले गए। 3 गुल्लक जो है कम से कम जो है 60-70 हज़ार रुपये के करबन जो है उसमें गुल्लक में पैसा होगा। अब इस प्रकार से जो ये घटना हुई। अच्छा जी, कब की बात है? कल रात को। अच्छा, कल रात को। तो पुलिस को बताया इस बारे में? हाँ, पुलिस के पास कंप्लेंट जो पूरी मंदिर कमेटी गई थी, कंप्लेंट तो कर दिए, आगे अभी क्या होता। अच्छा, जैसे कहते पास मंदिर में उसमें भी चोरी हुई? 16 नंबर गली में शिव मंदिर है, वहाँ पर भी जो है 2 गुल्लक ले गए। अच्छा, तो आपको आपको कब पता लगा जैसे आपके मंदिर? हम तो जब मंदिर खोलने जो है सुबह 4 बजे आए, मैं तो शादी में था, लेकिन जो ये दूसरे वाला जो हेल्पर रखा हुआ ये आया यहाँ पर मंदिर में। हाँ जी, इसने जो है यहाँ पर मंदिर खोला, तो जो है फिर तुरंत जो है डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, जो हम मंदिर के चेयरमैन साहब हैं उनको फ़ोन किया, वो अंदर आए, उन्होंने यहाँ पर जो है पूरा मतलब ये जो है जय जय। अच्छा, आप गोलक के अलावा कोई और चीज़ तो नहीं लेके गए? कोई नहीं, और चीज़ नहीं लेके। कीमती सामान हो कोई मंदिर का? वो तो शुक्र करो परमात्मा का, उस माता रानी का, कि मतलब उनकी और जो है मूर्तियों पर दृष्टि नहीं पड़ी। सिर्फ वो भी ले जाते, चांदी के मुकुट सब लगे हुए, आप देख लो मंदिर माता के जो है सभी दरबारों में मुकुट लगे हुए चांदी के, लेकिन वो बच गए। अच्छा पंडित जी, ये कैसे अंदर आए, ये क्या दरवाजा तोड़ा उन्होंने? दरवाजा पहले तो बाहर से जो जो है वो जो ताला था वो जाली वाला ताला, उसमें से ताला तोड़ा, फिर अंदर उन्होंने शीशा निकाला, दूसरा लॉक लगा हुआ था दरवाजे का। हाँ, फिर उसमें से शीशा निकाला, शीशा से अंदर घुसे,
फिर जाके उन्होंने धीरे से उस हिस्सा नीचे रखा, फिर वो अंदर आए, अंदर आ करके सारी गुल्लक उठा करके थैलों में डाल करके रेड़े में ले गए। अच्छा,